And I support this bill. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Sri Ramchandra Prasad Singh ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भागलपुर में ट्रिपल आईटी है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस देने के लिए इस बिल में उनको भी रखा गया है. हम सब अवगत हैं कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब शिक्षा एचआरडी मिनिस्टर थे तब ट्रिपल आईटी का कॉन्सेप्ट आया था और उस समय शुरू में ही 5 जगह पर इसकी स्थापना हुई थी. मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि उस समय माननीय नीतीश बाबू रेल मंत्री थे और हम लोगों ने भी इच्छा जाहिर की थी कि बिहार में खोला जाए. दुर्भाग्य से बहुत वर्ष लग गए और अब खोला गया है तो देर आए दुरुस्त आए, तो मैं मंत्री जी को इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ. साथ ही ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है टेक्निकल एजुकेशन का और बिहार ऐसे प्रदेश में आप जानते हैं कि जहाँ बहुत कम संस्थाएं थी 2005 के पहले, वहाँ सिर्फ आपको जान करके आश्चर्य होगा सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे. नीतीश बाबू के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार आई, आज आप जान करके आपको बहुत हर्ष होगा कि सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, सभी जिलों में एक एक पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई, जितने हमारे जिले के सब डिविजन्स हैं उस सब में आईटीआई की स्थापना की है. इससे हुआ क्या है कि पहले हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे अच्छी संस्थाएं नहीं होने के कारण बाहर जाते थे, कई बार अपमानित भी होते थे, कई बार उनकी हत्या भी हो जाती थी. अब बिहार में जो हमारी एनडीए की सरकार है नीतीश बाबू के नेतृत्व में, तो इस प्रकार की वहाँ व्यवस्था की गई है, टेक्निकल जो एजुकेशन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाया गया है उसमें निश्चित रूप से जो हमारा ट्रिपल आईटी जो भागलपुर का है इसको नेशनल इंपॉर्टेंस मिलेगा. तो निश्चित रूप से जो हमारा जो पूरा का पूरा जो ये टेक्निकल एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा. मेरा मंत्री जी से दो ही इसमें अनुरोध होगा कि इसमें सबसे जरूरी है कि जो फैकल्टी हो, और खास करके हमारे भागलपुर के बारे में मैं कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा पटना से दूर है, हो सकता है कि अच्छी फैकल्टी वहाँ ना मिल पाती होगी. तो मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि आपने इंस्टीट्यूशंस को बनाया है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, तो इस प्रकार का हमारे पास पुल होना चाहिए कि हम लोग वहाँ पर अच्छी से अच्छी हम लोग जो फैकल्टी उनको दे सकें. और जैसा विजय साई रेड्डी जी कह रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाना चाहिए कोर्स में. अब बच्चों के बीच ये कहीं भी ये फीलिंग नहीं होना चाहिए, जो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम IIT में पढ़ रहे हैं या ट्रिपल IIT में पढ़ रहे हैं. आज आप जान रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो निश्चित रूप से उसमें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि इसका सीधा सीधा तारतम्य जो हमारा इंडस्ट्रीज है, जो हमारे उद्योग हैं और जो खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो टेक्नोलॉजी है, सबसे इनको एक तरह से इनको सबको डवटेल करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे जो यहाँ जाएँ इस इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण करें और वहाँ से निकलें तो उनको लगे कि नहीं, मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है उससे देश की, समाज की और खुद की भी है सेवा करने का अच्छा मौका मिलेगा. तो मैं चाहूँगा मंत्री जी से कि पूरे के पूरे चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में लेकर करके, बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास 25 ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे और निश्चित रूप से इसे हमारे देश का जो एक परिदृश्य है खास करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और अच्छा होगा. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं विचार के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं. धन्यवाद रामचंद्र बाबू. प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा नॉट प्रेजेंट, उपस्थित नहीं. श्री नारायण दास गुप्ता जी, श्री नारायण दास गुप्ता जी नॉट प्रेजेंट. श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी,